वेलकम एवरीवन, वेलकम एट सीएस नोट्स होम वीडियो सेल जीएसटी अपडेट्स। दोस्तों एनबीसी न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। आज से ये फर्स्ट फेज शुरू हो रहा है जीएसटी न्यूज एंड अपडेट्स का। एनबीसी न्यूज आज से आप लोगों को जो भी अपडेट्स होंगे वो इसी चैनल सीएस नोट्स होम यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट जीएसटी न्यूज और अपडेट्स में आज के लिए। सबसे पहले बात करते हैं हम हेडलाइंस की। स्लैब रेट्स अंडर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स विल रिड्यूस। जो स्लैब रेट है फिलहाल गुड्स और सर्विस टैक्स में वो रिड्यूस हो सकती है। डेडलाइन फॉर सेलिंग प्री जीएसटी गुड्स एक्सटेंडेड टू दिसंबर 31। जो डेडलाइन थी प्री जीएसटी गुड्स को सेल करने की वो एक्सटेंड कर दी गई है 31 दिसंबर तक। और ड्यू डेट टू फाइल ट्रांसफर हैज बीन एक्सटेंडेड टू 31 अक्टूबर 2017। और ट्रांस की जो ड्यू डेट थी वो एक्सटेंडेड कर दी गई है 31 अक्टूबर 2017। अब समाचार विस्तार से। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ऑन मंडे हिंटेड दैट देयर इज ए स्कोप फॉर लेजर स्लैब अंडर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स वंस देयर इज रेवेन्यू बैलेंसिंग। वी हैव स्पेस फॉर इंप्रूवमेंट इवेंचुअली वंस वी बिकम रेवेन्यू न्यूट्रल टू थिंक इन टर्म्स ऑफ बिगर रिफॉर्म्स सच एज लेजर स्लैब्स। But for that we have to become revenue neutral। दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने मंडे को यह हिंट दिया है कि आने वाले टाइम में जीएसटी की जो स्लैब रेट्स हैं वो कम हो सकती है, बट ये रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है उसके न्यूट्रल होने पे हैं। यानी यहाँ पे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है अगर इनके हिसाब से वो एक न्यूट्रल पोजिशन में आता है तो ये सोच सकते हैं कि स्लैब रेट को कम किया जा सकता है। करंटली द जीएसटी रिजाइन स्लॉट्स आइटम्स अंडर रेट ऑफ 5, 12, 18 and 28% एट प्रेजेंट। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जीएसटी की जो रेट्स है स्लैब रेट्स है वो 5%, 12%, 18%, 28% के साथ में है। और एडिशनल जीएसटी कंपनसेशन सेस इज ऑल्सो लेवेड ऑन सर्टेन प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी कंपनसेशन में सेस भी लग रहा है। तो ये एक अच्छी न्यूज है कि आने वाले टाइम में हो सकता है स्लैब रेट कम हो। न्यू दिल्ली, द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर सेल ऑफ प्री जीएसटी गुड्स विद स्टिकर्स ऑफ रिवाइज्ड रेट बाय 3 months टू दिसंबर 31। कंज्यूमर अफेयर्स मिस्टर रामविलास पासवान सेड ऑन फ्राइडे। न्यू दिल्ली के अंदर रामविलास पासवान जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ने डेडलाइन जो थी प्री जीएसटी गुड्स यानी जीएसटी चालू होने से पहले के जो गुड्स थे उनके लिए जो डेडलाइन थी सेलिंग की वो 31 दिसंबर 2017 कर दी गई है। द डिसीजन केम आफ्टर सेवरल कंपनीज एंड रिटेलर्स बॉडी सीआईटी हाइलाइटेड दैट दे आर स्टिल लेफ्ट विथ ह्यूज अनसोल्ड स्टॉक ऑफ प्री जीएसटी गुड्स एंड नीड मोर टाइम टू क्लियर दैट। ये इसीलिए हुआ क्योंकि बहुत सारे रिटेलर्स कंपनीज ने यहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ पे क्यूरी जनरेट की कि उनके पास में बहुत ज़्यादा अनसोल्ड स्टॉक जो है वो जीएसटी से पहले का पड़ा है, तो उन्हें और टाइम चाहिए इसे क्लियर करने के लिए। After much confusion, it's now confirmed that due date to file Trans-1 has been extended to 31st October 2017 by order number 03-2017 GST. The order read as follows: In exercise of the power confirmed by Rule 117 of the Central Goods and Service Tax Rules 2017, read with Section 168 of the Central Goods and Service Tax Act 2017 on the recommendation of the Council, the period for submitting the declaration in form GST Trans 1 is extended till 31st October 2017. So, ये एक अच्छी न्यूज आप लोगों के लिए है कि जिन लोगों का Trans 1 अभी तक फाइल नहीं हुआ था और जो लोग अभी भी इस इश्यू में कन्फ्यूजन में थे तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि 31st अक्टूबर तक आप लोग अपना Trans 1 फाइल कर सकते हो। यानी अब इसके ऊपर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप रूल नंबर देख सकते हो, वाइड ऑर्डर नंबर आप देख सकते हो, इन्हें आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फॉर मोर जीएसटी अपडेट्स एंड न्यूज। ये हमारा फर्स्ट वीडियो जीएसटी न्यूज के ऊपर। इसके आगे जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम लोग आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि सबसे फास्ट सबसे तेज न्यूज आप लोगों के पास में पहुंचे। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा बिकॉज योर वन शेयर कैन स्टॉप अदर लॉस। आपका एक शेयर किसी दूसरे का लॉस बता सकता है, वो दूसरा भी आपके लिए ये करेगा। इट्स जस्ट ए अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर ऑल टैक्स पेयर्स। हम लोगों का मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अपडेट करें, अवेयर करें
तो आप लोग भी हमारा इस एक अवेयरनेस प्रोग्राम में सपोर्ट कीजिए। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।